सीएम रमन सिंह और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर में प्रदर्शन करेंगी, तो सह प्रभारी नितिन नवीन बिलासपुर में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे। बीजेपी नेता बैलगाड़ी और ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन से पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। रमन सिंह ने बीजेपी और कांग्रेस की सरकार में फर्क बताया। यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह जी और राष्ट्र प्रादेशिक प्रभारी दोनों के नेतृत्व में होगा, एक बड़ा आयोजन होगा। मंडलों से लोग जुलूस की शक्ल में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आएंगे, किसान आएंगे, मजदूर आएंगे, बैलगाड़ियों में बैठकर हम कलेक्ट्रेट जाएंगे। कुछ 5-7 बैलगाड़ियाँ रहेगी जिसमें प्रमुख नेता सवार होंगे, 5-7 ट्रैक्टर होंगे जिसमें हमारे पार्टी के प्रमुख लोग सवार होंगे, और उनके नेतृत्व में ये पद यात्रा करते हुए बाकी सारे कार्यकर्ता पद यात्रा होंगे। यह कार्यक्रम रायपुर शहर जिला भारतीय जनता पार्टी एवं ग्रामीण जिला दोनों का ही संयुक्त कार्यक्रम होगा। चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए हम रुख करेंगे। हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, हम लगातार देख रहे हैं पिछले 1.5 से 2 महीने से विपक्ष में बैठी बीजेपी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मसले पर, बारदाने की कमी को लेकर लगातार अलग अलग मसलों पर भूपेश सरकार को घेरती आ रही है। आज प्रदेश व्यापी जो आंदोलन है, क्या है जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल दीपक, देखिए बीजेपी एक बड़ा आंदोलन, बल्कि कहा जाए विपक्ष में बैठने के बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा आंदोलन आज बीजेपी पूरे प्रदेश भर में करने जा रही है। सभी जिलों में ये प्रदर्शन होगा। इसकी आक्रामकता और बड़ेपन का एहसास इसी से हो जाता है कि बीजेपी पहले सिर्फ धरना करने जा रही थी, लेकिन बाद में उसने अपनी रणनीति बदली है और बीजेपी अब कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकलेगी सभी जिलों में और गिरफ्तारी देंगे उसके बड़े नेता। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज पहुंच रही हैं, वो इसमें रायपुर में शामिल होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह नेतृत्व करेंगे, बृजमोहन अग्रवाल इसमें नेतृत्व करेंगे, श्रीचंद सुंदरानी जैसे बड़े नेता रायपुर में होंगे, तो सह प्रभारी नितिन नवीन बिलासपुर में मोर्चा संभालेंगे और ये सभी बैलगाड़ी और ट्रैक्टर की रैली की शक्ल में निकलेंगे कलेक्ट्रेट का घेराव करने, और जहाँ इनको रोका जाएगा वहाँ पर ये अपनी गिरफ्तारी देंगे। लेकिन अभिषेक, हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ ठीक है विपक्ष में बैठी बीजेपी तो आज प्रदेश व्यापी आंदोलन कर ही रही है, दूसरी तरफ आज खबर ये भी है कि आज युवा कांग्रेस का भी प्रदर्शन होगा रायपुर में कृषि कानून और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर। यानी कुल मिलाकर सियासत आज एक बार फिर गरमाने वाली है, बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग मसलों पर प्रदर्शन करेगी, इसको लेकर क्या जानकारी युवा कांग्रेस को? दीपक बिल्कुल, सिर्फ अलग अलग मुद्दे ही नहीं बल्कि जब से बीजेपी ने 22 तारीख के आंदोलन की घोषणा की है तब से कांग्रेस भी एग्रेसिव मोड पर आ गई है और लगातार कांग्रेस या तो प्रदर्शन कर रही है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस इस बात को बता रही है कि धान के मुद्दे में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन छत्तीसगढ़ सरकार कर रहा है, रिकॉर्ड खरीदी हुई है, जो भी दिक्कतें आई हैं केंद्र सरकार की अड़ंगे की वजह से आई है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आज भी भाजयुमो घेरने की कोशिश करेगा युवा कांग्रेस और कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी करेगी, तो दोनों ही तरफ से लगातार एग्रेसिव मोड अपनाए हुए हैं और हर कोई अपना पक्ष रख रहा है यहाँ पर कि वो किसानों का हितैषी है। और ये लड़ाई अब बहुत कहा जाए चरम पर पहुँच चुकी है, बहुत आक्रामक तरीके से दोनों ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस लगातार कभी लिस्ट वायरल कर रही है भाजपाइयों की जिन्होंने धान बेचा है, तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार ने क्या क्या दिक्कतें पैदा की वो बता रही है। रिकॉर्ड बिक्री की बात भी सामने आई कि रिकॉर्ड खरीदी अब तक 20 साल में कांग्रेस ने यहाँ पर कांग्रेस सरकार में धान खरीदी की हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ही तरफ से आक्रामक रणनीति अपनाई जा रही है किसानों के मुद्दे पे और कोई भी पीछे कदम रखने को तैयार नहीं है, सभी एक दूसरे पर 21 साबित होने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ खबर पर बातचीत करने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए। तो एक तरफ प्रदेश व्यापी आंदोलन बीजेपी कर रही है तो दूसरी तरफ युवा कांग्रेस ने भी प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के निवास का युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता घेराव करेंगे, कृषि कानून और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर ये विरोध युवा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता करेंगे।